तो ये है भाई लास्ट टाइम मेरे घर को पेंट करवाने की एक नाकाम कोशिश, बट ये नाकाम कोशिश तुम्हें पसंद आई थी। यस, मैंने तुम लोगों से यार वोट में पूछा था कि क्या भाई हमें अपने घर को विदाउट पेंट रखना चाहिए या विद पेंट रखना चाहिए, जिसमें ऑलमोस्ट 95% लोगों ने वोट किया था कि भाई पेंट वाला बढ़िया है। तो यस, मैं अभी भाई इस घर को ऐसे ही रखने वाला हूँ। तुम लोगों को पता नहीं इसमें भाई क्या ही पसंद आया। ठीक है, अब जो भी है, बाकी देखो गाइस वो पेंट वाला तो भाग गया यार। उसका मैंने पता करने की कोशिश की कि भाई वो दोनों कहाँ आ गए, वो नहीं मिले। यस, मैंने माइकल से पता करने की कोशिश की, अब वो कॉल लगा रहा है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारा लफड़ा हो गया यार। और अब वो पेंट वाले किसी भी कीमत पे वापस आने को तैयार नहीं है। यस, सीरियसली मैंने सोचा कि चलो भाई तुम लोगों को अगर पेंट बढ़िया लगा है तो ठीक है, चलो पूरे घर को ही पेंट करवा देते हैं आगे पीछे हर तरफ से। लेकिन अब वो जो पेंट वाले थे वही भाग गए यार, पता नहीं कहां भाग गए। अब मुझे नहीं लगता वो लोग मेरा काम करेंगे, इसीलिए अभी बाद में देखेंगे पेंटिंग का सीन। तो यस, इधर का इलाका पेंट करना बाकी रह गया है। फ्रंट का तो उन लोगों ने कर ही दिया है, देख सकते हो तुम लोग क्या ही अजीबोगरीब पेंट किया है उन लोगों ने। अलग ही स्टाइल था भाई उनका पेंटिंग वगैरह का, जो भी स्टाइल था बहुत ही अजीब था। यस, ये घर देखो भाई कैसा लग रहा है, आर्ट गैलरी लग रही है भाई। इधर अलग तरीके की पेंटिंग्स, ऊपर येलो अलग तरीके की, इधर ब्लू रेड अलग, इधर रेड ग्रीन येलो, अलग ही सीन है भाई पूरे घर का। तो जो भी है अभी कुछ दिनों के लिए ऐसा ही रखते हैं, बाद में किसी दूसरे बढ़िया से पेंटर वगैरह को ढूंढेंगे और पीछे जो बाकी रह गया है सीन उसे कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ठीक है। बाकी लास्ट टाइम दो चीजें और की थी भाई मैंने। लास्ट टाइम लेकर आया था मैं एक गाड़ी और एक बाइक। लेट मी शो दिस बाइक फर्स्ट। तो जो बाइक है वो है ये वाली। यस, ये जो तुम्हें स्केलेटन वाली बाइक दिख रही है भाई, मुझे एक रेस्टोरेंट के पास से मिली थी। रेस्टोरेंट टाइप होटल वोटल कुछ तो था वो, वहां से ये स्केलेटन वाली बाइक मिली थी, घोस्ट राइडर स्पेशल बाइक। बहुत ही तगड़ी है भाई, स्पीड भी अच्छी है और इसकी राइड क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है, बट हाँ देखने में एकदम ही खतरनाक लगती है। बंदे बार बार मुड़ मुड़ के घूर घूर के देखते हैं इस बाइक को। ये स्पेशलिटी है भाई इस वाली बाइक की। इस बाइक की नहीं, इस वाली बाइक की बात कर रहा था मैं। बाकी इसके अलावा एक गाड़ी भी लेकर आया था जो कि आई गेस अपने दूसरे वाले फ्लोर पे है। एक सेकंड, खैर दूसरा वाला फ्लोर तो यही था, तीसरे वाले फ्लोर पे है। वो गाड़ी है वहां पर, वो रही भाई बेंटले, ये लेकर आया था मैं लास्ट टाइम। बाकी तो गाड़ियों का सीन तुम्हें पता ही है, टैंक का भी सीन पता ही है। अगर तुम लोग हमारे इस घर अपग्रेड वाली वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा भाई कौन सी गाड़ी मैं कब लेकर आया था, कहां से लेकर आया था, कैसे लेकर आया था। तुम्हें पता होगा हर गाड़ी को लाने के लिए अलग अलग तरीके के पापड़ बेलने पड़े थे भाई मुझे। कोई गाड़ी कहीं से मिलती है, किसी गाड़ी को चुराने में पुलिस वाले पीछे पड़ जाते हैं, कहीं अलग लफड़ा हो जाता है, ये उरूस भी कहीं और से ही लेकर आया था। तो हर गाड़ी का तुम्हें सीन पता होगा अगर तुम लोग शुरू से देखते आ रहे हो तो। बाकी एक मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई सजेशंस दो हमें अपने इस घर के अंदर और क्या क्या नई नई चीजें करनी चाहिए। तुम लोगों ने गैराज के डोर के बारे में बात की, तो यस मैंने लगवा दिया ये गैराज डोर। देखो भाई क्या परफेक्टली वर्क करता है, एकदम बढ़िया है ये। और यस, ये भी लगवा दिया था मैंने लास्ट टाइम, तो बढ़िया है सब कुछ। एक और चीज मैंने कमेंट में नोटिस की थी भाई, तुम लोग कह रहे थे कि भाई गाड़ियों का कलर बदल दो, क्योंकि ये सारी गाड़ियां चोरी की हैं ऑब्वियस सी बात है। और अगर पुलिस वालों ने एक गाड़ी भी पहचान ली, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है भाई इस गली से पुलिस वाले जाते ही रहते हैं, वैसे भी बहुत सारे लफड़ों में ऑलरेडी पड़ चुका हूं मैं, तो याद होगा तुम्हें कैसे कैसे लफड़े थे कि भाई रोड के ऊपर से घर क्यों बना दिया, ये तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे ऐसे लफड़े। तो इसी वजह से भाई तुम लोगों ने कहा था कि सारी गाड़ियों का कलर चेंज करवा देना चाहिए ताकि गाड़ियां इजीली पहचान में ना आए। और यस, ये सजेशन मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। गाड़ियों का कलर चेंज करवाना तो बनता है भाई, क्योंकि सीरियसली में अगर एक गाड़ी भी पुलिस वालों ने पहचान ली कि भाई इस गाड़ी के बारे में तो हमारे पास चोरी की रिपोर्ट आई थी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस सकता हूँ, मेरी सारी गाड़ियां पुलिस वाले सीज कर सकते हैं, गाड़ी तो छोड़ो पूरा का पूरा घर भी सीज कर सकते हैं। इसीलिए मुझे इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन चाहिए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, गाड़ियों का कलर चेंज करवा दो। अब मैं आज वही मेन फोकस रखने वाला हूँ भाई गाड़ियों के कलर चेंज करवाने पे। देखो बहुत सारी गाड़ियां अपने शोरूम पे, तीन तो यहाँ पर है, पहले रुक जाओ यार गाड़ियां काउंट करूं मैं टोटल कितनी गाड़ियां हैं, तीन तो यहाँ पर है ठीक है भाई। इसके अलावा अगर सेकंड फ्लोर पे बात की जाए तो यहाँ पर है पांच और गाड़ियां, मतलब आठ हो गई, नौवीं ये गाड़ी है और दो ग्यारह और एक बारह गाड़ियां हैं टोटल यहाँ पर। बाइक्स की बात की जाए तो बाइक्स है भाई टोटल आठ, यस टोटल एट बाइक्स हैं और बारह गाड़ियां तो यहीं तक हो गई, अभी ऊपर वाला फ्लोर बाकी है।
चलो ये आ गए ऊपर वाले फ्लोर पे। अब यहाँ कितनी गाड़ियां हैं, मॉन्स्टर ट्रक को भी मैं गाड़ी की तरह ही काउंट करने वाला हूँ। 3, 2, 5 और 1 6, 6 यहाँ हो गई, 6 और 4 10, 10 और 4 14, यानी 12 और 14 भाई, कितनी हो गई ये, 26 गाड़ियां। ओ भाई 26 कार्स सीरियसली, और इसके अलावा 8 बाइक्स भी हैं, तो वो भी जोड़ दो तो 34 व्हीकल्स है मेरे पास, और एक टैंक भी जोड़ दो तो 35 टोटल व्हीकल्स है। ओ भाई साहब, पूरे लॉस सैंटोस में अगर किसी के पास सबसे क्रेजी कलेक्शन है तो मुझे लगता है भाई वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा किसी के पास कोई क्रेजी कलेक्शन हो ही नहीं सकता है। खैर इस क्रेजी कलेक्शन की बहुत तारीफ हो गई, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि भाई कलर चेंज करवाना है सारी गाड़ियों का, तो मुझे एक प्रोफेशनलिस्ट चाहिए, और मुझे नहीं लगता भाई बैनी से अच्छा कोई बंदा हो सकता है गाड़ियों का कलर चेंज करने के लिए। तो मैं चला बैनी के पास, उससे पूछना पड़ेगा कि भाई टोटल 26 गाड़ियां हैं और 8 बाइक्स हैं, इनका कितना खर्चा बैठेगा एक्सप्लेन कर दे, और बाकी देखते हैं। यार मुझे तो लग रहा है तगड़ा खर्चा बैठने वाला है, क्योंकि सारी गाड़ियां एक से बढ़ के एक है। अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती, ओ वैसे मेरी जीप भी है, जीप को तो भूल ही गए। अब जैसे मान लो ऐसी जीप होती तो इसमें तो चीपेस्ट कलर, सस्ता वाला कलर भी लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इन गाड़ियों पे अगर सस्ता कलर लगा तो ये गाड़ियां बहुत ही बेकार दिखने वाली है, इसीलिए इन पे टॉप लेवल का कलर लगाना जरूरी है और रीस्प्रे करवाना जरूरी है, और उसमें तगड़ा खर्चा बैठेगा, ये तो फिक्स है भाई। इतनी महंगी महंगी सुपर कार, कॉन्सेप्ट कार, स्पोर्ट्स कार है, खर्चा तो तगड़ा आने ही वाला है। बैनी से जाके मिलते हैं, जा रहा हूँ यार मैं बैनी के पास। यस लेट्स गो, अपनी जीप लेके चलते हैं। इतनी सारी गाड़ियों और लेके घूमता हूँ मैं अपनी ये जीप, कोई अपने कलेक्शन में से लेके जाऊँ क्या? छोड़ो यार बाद में देखेंगे, पहले बैनी के पास चलो क्विकली। लेट्स गो, बैनी के शोरूम निकलते हैं। होगा अभी इस वक्त शोरूम पे ही वो, या फिर उसे कॉल करके बुला लेता हूँ मैं। हाँ बैनी के शोरूम क्या जाने की जरूरत है यार, कॉल करके बुला लेते हैं और उससे यहीं पूछ लेते हैं, फिर डायरेक्ट पैसों का इंतजाम करने के लिए चलेंगे। हाँ ये ज्यादा बेटर है भाई, रुको बैनी को कॉल करता हूँ मैं क्विकली। बैनी को बुला दिया है भाई, और ये देखो पुलिस वाले जा रहे हैं, इसीलिए इन गाड़ियों का कलर चेंज करवाना जरूरी है, बहुत सारे पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। अगर एक आध गाड़ी भी पहचान ली, जैसे वो उरूस है, वो ब्लैक बीस्ट अपनी, अगर उसे पहचान लिया फंस सकता हूँ मैं, तो इसीलिए कलर चेंज करवाते हैं। बैनी कब आएगा? बैनी आ चुका है भाई। यस गाइस बैनी आ चुका है, और यकीन नहीं होता भाई इतने बड़े वर्कशॉप का मालिक है ये, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां रिपेयर वगैरह करता है, कस्टमाइज करता है, और आया है ये टैक्सी में, वाओ। खैर बैनी भाई तू आ जाए एक बार, तुझे मैं सारी चीजें समझा देता हूँ। तुझे तो पता ही होगा मेरा गैराज है ये, मतलब गैराज कम शोरूम ज्यादा लगता है, मेरा ही है ये सब कुछ। तो तुझे मैंने क्यों बुलाया है वो मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ। देख अंदर आ पहले तो जल्दी, यहाँ जितनी भी तुझे गाड़ियाँ, कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ। हाँ तो मैं कह रहा था देख भाई तुझे जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ दिख रही हैं, यही नहीं ऊपर और 31 गाड़ियाँ हैं, तो जितनी भी तुझे गाड़ियाँ ये दिख रही हैं भाई, ये सब चोरी की गाड़ियाँ हैं, तो तुझे इनका कलर चेंज करना है, इस हिसाब से कलर चेंज करना है कि ये गाड़ियाँ पहचान में ही ना है। अब देख ये कलर मैं चेंज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है चोरी की गाड़ियाँ हैं, पुलिस वालों की नज़र पड़ गई, प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर कलर वलर चेंज हो जाएगा तो इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आएंगी ये गाड़ियाँ किसी के भी, और नंबर प्लेट तो यहाँ पर लॉस सैंटोस में उतना कोई ध्यान देता नहीं है गाड़ियों की, बस कलर से बंदे पहचानते हैं अपनी गाड़ियां। तो इसीलिए भाई बैनी तुझे सारी गाड़ियों का कलर चेंज करना है, अब बता कितना खर्चा आएगा। टोटल है ये 34 गाड़ियां जिसमें 26 गाड़ियां हैं, 8 बाइक्स हैं, तो खर्चा बता दे। सारी एक से एक बढ़ गया, कोई सुपर कार है, कोई स्पोर्ट्स कार है, कोई मॉन्स्टर कार है, कोई कॉन्सेप्ट कार है, कोई एसयूवीज है, बता खर्चा अभी कभी। ओके तो बैनी ने यहाँ पर खर्चा बताया भाई, बैनी कह रहा है लगभग 5 करोड़ का खर्चा आएगा सारी गाड़ियों एकदम टॉप लेवल के कलर का यूज करके रीस्प्रे करने में। 5 करोड़ का सिर्फ खर्चा पेंट करवाने में, अगर मैं ये सारी गाड़ी बेकू तो कितना मिलेगा भाई मुझे? बेकने नहीं वाला यार, टेंशन मतलब भाई मेरा ये एपिक कलेक्शन है, इतने महीनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ इस कलेक्शन के पीछे, इतनी आसानी से तो डेफिनेटली नहीं बेकूंगा। तो 5 करोड़, 5 करोड़ से कम नहीं भाई, ठीक है। हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर भी है, उसका भी कलर चेंज करना है, सब कर देगा तो उसके अंदर, ठीक है। टैंक भी है। ओके गाइस बैनी यहाँ पर कह रहा है 5 करोड़ ले आओ सारी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, टैंक, एसयूवी, कॉन्सेप्ट कार, मॉन्स्टर कार, सुपर कार, सब चेंज कर दूंगा मैं, कलर चेंज कर देगा वो, ऐसा कह रहा है, ठीक है 5 करोड़। ओके तू अपना जुगाड़ वुगाड़ ला भाई रीस्प्रे करने का, तब तक मैं 5 करोड़ इकट्ठे करता हूँ, ठीक है बैनी लग जा काम पे, बल्कि तू अभी से ही गाड़ियों का कलर चेंज करना शुरू कर दे, मैं तब तक पैसे लेकर आता हूँ, मतलब पैसे का जुगाड़ करके आता हूँ। 5 करोड़ वैसे है यार अपने पास, हाँ एक सेकंड, वाटर स्लाइड जो मैंने बेची थी भाई उसके 5 करोड़ अपने को मिले थे, बट उसमें से 1-2 करोड़ तो पेंटिंग में ही खर्चे हो गए थे, इतने बचे हैं उसमें, ढंग से याद नहीं आ रहा मुझे, एक सेकंड एक
एक सेकेंड, लेट मी रिमेम्बर भाई। तो ये रहा भाई अपने पैसों वाला बैग, जहाँ तक मुझे याद है गाइज इसके अंदर 3 करोड़ 4 करोड़ के लगभग होने चाहिए, क्योंकि देखो भाई सबसे पहली चीज पेंडिंग वालों ने पैसे लिए थे 1 करोड़ के लगभग, ऊपर से वो गैराज का डोर भी लगा था, वो भी कुछ तो लाखों में लगा था, तो आई गेस अपने पास 3.5 करोड़ के लगभग होने चाहिए। मुझे 2 करोड़ और इकट्ठे करने हैं कुल मिला के, बस मेरी सारी गाड़ियां रिस्प्रे हो जाएंगी भाई। यस मैं जा रहा हूँ 2 करोड़ कलेक्ट करने हैं कहीं से, तो जुगाड़ करते हैं 2 करोड़ का, आराम से सारी गाड़ियों को मैं कलर करवा सकता हूँ। यस बैनी भाई तू कलर चेंज कर अपने पैसों से, बाकी पैसे मैं पूरे दे दूंगा तुझे, टेंशन मत ले मैं जुगाड़ करके लाता हूँ। 3.75 करोड़ है यार, 2 करोड़ और लाने हैं, लेके आ जाते हैं। चलो ना भाई फटाफट सारी गाड़ियां रिपेयर करवा देते हैं, रिपेयर नहीं आई मीन रिस्प्रे करवा देते हैं, रिस्प्रे से भाई बिल्कुल एकदम सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी पुलिस वालों की। चलो 2 करोड़ का अब जुगाड़ कैसे करूं, ये भी तो सीन है, इतना आसान भी तो नहीं है 2 करोड़ का जुगाड़ करना, कुछ तो एपिक करना पड़ेगा भाई 2 करोड़ का जुगाड़ करने के लिए। टास्क वास किसी का कंप्लीट करूं, क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू, समझ ही नहीं आ रहा भाई 2 करोड़ का आखिरकार जुगाड़ करूं तो करूं कैसे। बैंक तो अब लूटने नहीं जाऊंगा भाई 2 करोड़ के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने बैंक ही नहीं लूटा, पूरा घर मैंने 250-200 करोड़ में बनवा दिया भाई, अभी तक बैंक लूटने की नौबत नहीं आई, आज 2 करोड़ के लिए थोड़ा ना बैंक लूटूंगा। क्या करूं, एक काम करूं क्या, लॉस गैंग वाले सबसे पैसे लूटते हैं, मैं लॉस गैंग वालों से लूट के आ जाता हूँ, बट नहीं यार मुझे नहीं लगता अभी लॉस गैंग वालों से पंगे लेना ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे घर पे इस वक्त 35 के लगभग गाड़ियां हैं, अगर लॉस गैंग वालों से पंगे ले लिए और उन्हें गुस्सा आ गया भाई मेरा घर का एड्रेस ढूंढ के, वैसे तो पता ही होगा उन्हें मेरे घर का एड्रेस, भाई सारी गाड़ियों में आग लगा देंगे, 35 की 35 गाड़ियां ब्लास्ट हो जाएंगी, इसीलिए लॉस गैंग से मुझे नहीं लगता इस वक्त पंगे लेना ठीक है। मुझे 2 करोड़ का जुगाड़ करना है, वो भी सबसे सिंपलेस्ट वे में, जिसमें मेरे फंसने के चांसेस बहुत कम हो, किसी से दुश्मनी के चांसेस बिल्कुल जीरो, ऐसा कुछ टास्क करना है मुझे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है 2 करोड़ कहां से लाऊं मैं, कैसे मिलेगा ऐसा टास्क जिससे 2 करोड़ भी आ जाए और किसी से पंगे भी ना लेने पड़े, क्या करूं ऐसा मैं। एक बंदा वहां पे खड़े हो गए, कब से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, क्या हो गया भाई, क्या छपा है न्यूज़पेपर में, कब से हंस भी रहा है ये बंदा, ऐसा क्या देख लिया भाई। ओके तो ये तो मेरे काम की खबर निकली यार, सही है मैं इस बंदे के पास आ गया। एक्चुअली में गाइस देखो एक बंदा है जिसको पुलिस वाले उठा के लेके चले गए हैं, और उसका जो दोस्त है उसने ये न्यूज़पेपर में छपवाया है कि अगर कोई मेरे दोस्त को जेल से छुड़ा देगा तो मैं उसे 2 करोड़ दूंगा, और इससे बढ़िया तो मौका हो ही नहीं सकता यार मेरे पास पैसे कमाने का। चलो मैं जा रहा हूँ उसके दोस्त को छुड़ाने के लिए जेल से, कौन सी जेल है जरा ये देख लेते हैं, बड़ी वाली जेल नहीं है यार लॉस सैंटोस की, वो पुलिस वाली जेल है। एड्रेस भी बताइयो भाई कहां पर है वो बंदा जिसने ऐलान किया है 2 करोड़ का, कहां पर मिलेगा एड्रेस बता फटाफट। थैंक यू ब्रदर, निकलते हैं गाइस, निकलते हैं फटाफट से, पहले उस बंदे के पास निकलते हैं, उसको बोल के आते हैं कि भाई मैं तेरे दोस्त को बचाने जा रहा हूँ 2 करोड़ का इंतजाम करके रख। चलो भाई हो जाएगा पैसों का जुगाड़, सही टाइम पे यार वो बंदा मिल गया, लेकिन वो हंस क्यों रहा था, वो न्यूज़पेपर पढ़ के हंस क्यों रहा था भाई, ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं चली। खैर जो भी हो मुझे क्या है, मेरे को तो न्यूज मिल गई बढ़िया सी जिससे 2 करोड़ का जुगाड़ हो जाएगा, और क्या ही चाहिए। चलो जो एड्रेस था भाई वो यहाँ कहीं का था, यही वाली फैक्ट्री का था शायद पूरा वो बंदा। वेट गाड़ी लेके चलो अंदर। हेलो ब्रदर, मैं तेरे ब्रदर को तेरे दोस्त को बचाने जा रहा हूँ 2 करोड़ का इंतजाम करके रख, ठीक है भाई करके रख, तू 2 करोड़ का जुगाड़ करके रख, मैं अभी लाया। ऐसे यार ये बंदा भी सॉलिड है, सीधे न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि पुलिस वालों से बचा के लाओ मेरे दोस्त को और ले जाओ 2 करोड़, क्या बात है भाई, बंदा खतरनाक है ये। खैर सबसे खतरनाक मैं हूँ, चलते हैं पुलिस स्टेशन बचा के लाते हैं इसके दोस्त को, लेकिन सबसे पहले मुंह पे रुमाल बांध लेते हैं भाई, क्योंकि फिर से भाई सीन 2 करोड़ के चक्कर में मैं दुश्मनी नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मेरे घर पे इस वक्त 30-40 गाड़ियां हैं, वो ब्लास्ट हो जाए किसी तरीके से, मैं ऐसा कोई सीन नहीं चाहता हूँ। यप दिस इज बेटर, चलो बैठो गाड़ी में, गाड़ी भी बल्कि अपनी क्यों लेके जानी है, त्योहार की गाड़ी उठा लेते हैं। अरे सर जी गाड़ी तो चलो बहुत हो गया, अरे बाहर निकलना चलना, और तू भी निकल चल, तेरे को क्या अलग से इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा, बाहर निकल। ओके मिल गई गाड़ी, अब देखो प्लान क्या है, सिंपली उसके दोस्त को मैं जेल से बचा के लाऊंगा, पुलिस वाले पीछे पड़ेंगे, पुलिस वालों से किसी तरीके से बच के मैं अपनी गाड़ी में घुस जाऊंगा और उसे भी अपनी गाड़ी में बिठा दूंगा, सिंपली पुलिस वाले ढूंढेंगे इस वाली गाड़ी को और हम दोनों फरार हो जाएंगे मेरी जीप में। दैट्स द सिंपल प्लान, अब कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं देखते जाओ। चल तो चलो पुलिस स्टेशन। ओके पुलिस वाले पहचान न ले भाई, ऐसे भी बहुत ज्यादा पंगे हो चुके हैं मेरे पुलिस वालों से। पीछे वाले गेट से चलेंगे भाई डायरेक्ट जेल की तरफ, जेल को ओपन नहीं करूंगा मैं, सीधा तोड़ के उसे बचाऊंगा, लेकिन पहचानूंगा कैसे मैं। हाँ लेकिन फोटो देखी थी मैंने न्यूज़पेपर में, ठीक है हो जाएगा सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो
तो ये रहा गैराज नहीं पीछे वाले गेट का डोर, और पुलिस वालों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगा अभी तक, तो पीछे वाले डोर से आया हूँ मैं। चलो बचाते हैं उस बंदे को। आगे नहीं गया मैं अभी तक क्योंकि ये देखो ऊपर सीसीटीवी कैमरा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, छोड़ो वैसे भी पुलिस पड़ने ही वाली है पीछे। ओके ये रहा वो बंदा। वेट वेट, मैं गन नहीं लेके आया, मैं गन नहीं लेके आया भाई। कोई बात नहीं, चाबी चाबी से निकालते हैं इसे बाहर। चाबी उठा ली, चलो 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 आजा भाई बाहर। हाँ यही है यही है यही है जिसकी फोटो थी। चल भाई आजा आजा फटाफट आजा, मेरे पास गन नहीं है। मैं सीरियसली मैं भूल गया यार, मैं गन तो लाया नहीं। कोई बात नहीं, चार स्टार की पुलिस है, हो जाएगा इजिली हो जाएगा। जल्दी जल्दी बैठ जल्दी बैठ यार गाड़ी में, ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को। फटाफट यस आ गए भाई पुलिस वाले, सिंपली निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर बुलेट्स। अब निकल लो भाई, निकल लो निकल लो निकल लो, जल्दी निकल लो। पहले एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा छोटा सा चक्कर काटते हैं, उसके बाद डायरेक्टली जो मेरी जीप है उसके अंदर दोनों हम लोग खुद के बैठ जाएंगे और सिंपली स्केप कर जाएंगे। डेट्स द प्लान। ओके छोटा सा चक्कर काटना है बस, बस एक छोटा सा चक्कर। लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस। हाँ पुलिस वाले आ रहे हैं, इधर से घुमा के लाते हैं पुलिस वालों को। चलो ओह नो, सामने से ही आ रहा है एक पुलिस वाला। व्हाट शुड आई डू What should I do? एक और, कितने हैं यार, हर जगह से ही पुलिस वाले आ जाते हैं। सिंपली एक छोटा सा चक्कर, ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं काटना है भाई, एक छोटा सा चक्कर बस। यहाँ से गए, अब यहाँ से वापस चलो। यस बस यही करना था, यहाँ घुमा के ले आया मैं पुलिस वालों को। अब जब तक ये वापस से घुमाएंगे अपनी गाड़ी को तब तक मैं अपनी जीप तक पहुँच जाऊँगा एंड दोनों के दोनों हम लोग जीप के अंदर कूद के बैठ जाएंगे। तैयार हो जा लौंडे, लौंडे सुन रहे तू, तैयार हो जा, अब जीप के अंदर कूद के बैठना है। हट जा गाड़ी भाई, जीप कहाँ है जीप कहाँ है, वो रही मेरी जीप मुझे नजर आ रही है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, पुलिस वाले आजू बाजू नहीं है, पुलिस वाले आजू बाजू नहीं है। लेट्स गो बड़ी, लेट्स गो ब्रदर, आजा आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, इससे पहले कि पुलिस वाले देखे। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ऑर्गेनाइज गाइस, ओ भाई सिर्फ गाड़ी बदलने से ही बात बन गई क्या? अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पुलिस वाले उस गाड़ी के पीछे जाएंगे, हम लोग निकल लेंगे। दैट्स द प्लान दैट्स द प्लान एंड इट वर्क। बात बन गई बात बन गई बात बन गई बात बन गई भाई, बात बन गई 100% बात बन गई। वाह क्या बात है, सीरियसली क्या बात है भाई, मजा आ गया, मजा ही आ गया। अब इसका जो दोस्त था वो कहाँ था, इधर की तरफ। सिंपली उसके हाथों में सौंप देते हैं उसके दोस्त को। ले भाई क्या बोला था, बचा के लाऊंगा तेरे दोस्त को, ला मेरे 2 करोड़ फटाफट से। थैंक यू बड़ी, ले अपने दोस्त का ख्याल रख, मैं चलता हूँ। मिल चुके हैं भाई 2 करोड़ का सूटकेस दिया इसने, 2 करोड़ का सूटकेस नहीं, 2 करोड़ से भरा हुआ सूटकेस। अभी निकलता हूँ मैं अपने घर की तरफ एंड बेनी अपना वहाँ पर वेट कर रहा है। बेनी को देते हैं ये पैसे और कलर चेंज करवाते हैं सारी गाड़ियों का। यस पूरी 26 गाड़ियाँ हैं, वैसे गिनती ऊपर नीचे हो सकती है, मैंने इतने भी सीरियसली नहीं काउंट किया था। तो 26 लगभग गाड़ियाँ हैं, 8 बाइक्स हैं। यस बेनी देखते हैं, उसने उसको मैंने बोला था कि कम से कम ये नीचे की 3-4 गाड़ियों का तो कलर चेंज कर, शायद वो कर रहा होगा। चल के देख लेते हैं, होपफुली बढ़िया तरीके से वो काम करे। वेलकम बैक, घर की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं। यप आ गए, बेनी ने कितना काम किया होगा, बेनी ने काम तो किया है यार, लग तो रहा है देख के, दूर से तो यही लग रहा है भाई। सीरियसली टैर्जो का कलर देखो ग्रीन हो गया है, टैर्जो कौन से कलर में थी, येलो पता नहीं, मैं तो खुद ही भूल गया। उसका याद है मुझे, इसका ब्लू कलर था, हाँ इस वाली गाड़ी का ब्लू कलर था, इसने रेड कर दिया है, और इस वाली गाड़ी का ऑरेंज कलर था, हाँ ऑरेंज, ये दिवाली पे मिली थी शायद मुझे गाड़ी, वही वाली है पता नहीं, शायद हाँ ऑरेंज कलर था, हाँ हाँ ऑरेंज ऑरेंज कलर था, ऑरेंज एंड पर्पल याद आ गया मुझे। इसका इसने ब्लू कर दिया है, इसका ब्लू से रेड कर दिया है, और आई गेस इसका भी समथिंग ऑरेंज या कुछ तो था, या तो येलो था, वो ग्रीन कर दिया है। भाई बेनी यार पता ही नहीं लग रहा है, ये तो गाड़ियों का तूने कलर चेंज किया है यार, सच में कलर की क्वालिटी अच्छी है यार, अब बिल्कुल भी चीप गाड़ी नहीं लग रही है, वरना ऐसे कलर चेंज करवा दो किसी गाड़ी को वो अजीब सी लगने लग जाती है। फैक्ट्री से जो कलर लग के आता है उसका कुछ अलग ही सीन होता है, बट ये देखो बेनी जो कलर यूज़ कर रहा है, सीरियसली भाई गाड़ियों पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, वैसी की वैसी चमक रही है भाई। बेनी ये ले भाई 2 करोड़, ऊपर 3 करोड़ है वो भी ला के मैं तुझे देता हूँ, और फटाफट से सारी की सारी गाड़ियों का कलर चेंज कर दे। यस बड़ी प्लीज़ डू इट प्लीज़। बेनी भाई अब ऊपर वाली गाड़ियों का कलर चेंज करने के लिए गया, अब मेरी बात सुनो भाई, देखो आज का मैंने अपना काम तो कर दिया पैसे वैसे जुगाड़ करने का, बट एक चीज़ बाकी रह गई है, आज तो मैं कोई गाड़ी लाया ही नहीं अपने गैराज में, और आज तक कोई सा भी भाई अपने घर अपग्रेड वाला कोई भी ऐसा वीडियो नहीं हुआ है जिसमें
मैं कोई गाड़ी या फिर बाइक नहीं लेके आया, आज कैसे हो सकता है वो चीज़। लेकर आते हैं गाड़ी, कौन सी लेकर आए, कहाँ से लेकर आए। लेट मी थिंक। मैंने सुना था यार, ये ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्टों के पास आजकल बहुत पैसा आ रहा है। अब अगर उनके पास बहुत पैसा आ रहा है तो ओबियसली बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ भी आ रही होंगी, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो बंदे गाड़ी लाएंगे। और ह्यूमन लैब्स के साइंटिस्ट भाई आजकल बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं वो लोग, तो गाड़ियाँ भी बढ़िया बढ़िया ला रहे होंगे। एक बार चलते हैं ह्यूमन लैब्स, चलते हैं देखते हैं यार उनकी गाड़ियों की क्वालिटी, और क्या पता हमें वहाँ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी मिल जाए। लेट्स चेक आउट भाई, चलो ह्यूमन लैब्स, चलो भाई चलो। ह्यूमन लैब्स पहुँचने वाला हूँ मैं, और एक सेकेंड, ये पीछे बोर्ड कैसा है? ये बोर्ड मैंने शायद पहली बार नोटिस किया है। क्या है ये बोर्ड? ट्रेलर पार्क, लिव द ड्रीम। यार ऐसा कुछ बोर्ड मुझे भी लगवाना चाहिए, ऐसे एरो वेरो जिस पे लगाओ कि भाई इधर फ्रैंकलिन का घर है। हाँ भाई लगवाना तो चाहिए, देखते हैं फिर कभी। अभी तो भाई ज़रा यहाँ निकलते हैं, क्या ही अपना ह्यूमन लैब्स। चलो भाई चलो चलो फास्ट, आगे से राइट लेना है। ओके शॉर्टकट ले लूँ क्या मैं? शॉर्टकट ले लेते हैं यार, चलो भाई क्या दिक्कत है, लाइफ में कभी छोटा मोटा शॉर्टकट लेना चाहिए। ओके एक बहुत ही बढ़िया वाला शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट से हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन लैब जाने वाले रास्ते पर आ गए। देखा भाई, वरना मेरे को वो फैक्ट्री का लंबा सा चक्कर काट के आना पड़ता, ऐसे मैं डायरेक्टली आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे, एक सेकेंड, ह्यूमन लैब्स वाला रास्ता नहीं है क्या? लग तो रहा है ह्यूमन लैब्स वाला ही रास्ता, शायद वो वाला रास्ता नहीं है। नहीं नहीं वही वाला है, वही वाला है, याद आ गया। हाँ हाँ ये तो रे भाई, हिरन वगैरह खूब घूमते हैं इधर। यस गाइस पहुंच गए ह्यूमन लैब्स, प्लीज़ यहाँ पर पुलिस पकड़िए नाउ। ह्यूमन लैब्स एंड रिसर्च, ऐसी क्या रिसर्च कर रहे हैं भाई ये लोग, इतना पैसा छाप रहे हैं। हेलो सर, मैं नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, मेरे पास आईडी नहीं है एक्चुअल में, आज मेरा फर्स्ट डे है सर। यस यस सर, थैंक यू फॉर ओपनिंग द बैरिकेड। वाओ पागल बना दिया मैंने उस गार्ड का। ओ भाई कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर, हाँ ये सारे साइंटिस्टों की हैं, तो ये लोग अपनी गाड़ियाँ मेनली बाहर ही लगाते हैं। वहाँ पर दो तीन बंदे भी दिख रहे हैं मुझे। पैसा तो आ रहा है भाई, सूट बूट में आ रहे हैं अब तो, पैसा तो फुल ऑन आ रहा है। अब पैसा कितना आ रहा है ये तो इनकी पार्किंग से ही पता चलेगा, जहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीमली बेस्ट गाड़ी नहीं दिखी है। एक हमर ज़रूर दिख रही है, बट हमर चाहिए किसे? नहीं भाई, ओ वेट व्हाट, बुगाटी, बुगाटी, आर यू सीरियस भाई, बुगाटी, यस बुगाटी है ये तो। चलो फिर देर किस बात की, लेके निकलते हैं इस ब्यूटीफुल सी बुगाटी को। वैसे भी तुम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे भाई कि शोरूम के कलेक्शन में एक बुगाटी तो बनती है, और यस विदाउट एनी पंगा हमें बुगाटी मिल गई भाई। सर बैरिकेड ओपन कर दो सर क्विकली, यस सर जल्दी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बुगाटी मिल गई। सीरियसली में पैसा तो आ रहा है, मुझे लग रहा है ये ह्यूमन लैब के हेड की गाड़ी होगी भाई। हाँ क्योंकि सारी गाड़ियाँ तो नॉर्मली दिख रही थी, बस यही अलग सी चमक रही थी पार्किंग में रखी हुई। डेफिनेटली ये जो ह्यूमन लैब का हेड होगा वही सबसे ज़्यादा पैसे छाप रहा होगा, उसी की होगी ये गाड़ी, क्या बेस्ट लग रही है। ऐसे इसका भी मुझे कलर चेंज करवाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बेनी चेंज कर ही रहा है, लगे हाथ इसका भी कलर चेंज कर देगा। बट बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, मेरे कलेक्शन में फाइनली एक बुगाटी एड ऑन होती हुई। यस इतने दिनों से मैं गाड़ियाँ चुरा रहा हूँ, अपने कलेक्शन में एक ढंग की बुगाटी नहीं ऐड कर पाया था मैं, लोकल वाली नकली वाली बुगाटी थी, बट यस इस बार असली वाली बुगाटी। ये देखो हेडलाइट्स भी इसकी पहचान है भाई, हेडलाइट्स क्या ब्यूटीफुल लग रही है, मजा ही आ गया यार। ये बुगाटी स्पोर्ट्स एडिशन लग रही है मुझे शायद, तभी तो इतने सारे लोगोज वगैरह छपे हुए हैं कंपनीज के। जो भी हो क्या स्पीड है, 350 की स्पीड, बस भाई ज़्यादा स्पीड नहीं, ठुक वुक जाएगी, ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना है अब इस पर भाई। फाइनली हमारे कलेक्शन में एक रियल बुगाटी शामिल होती हुई, निकलते हैं डायरेक्टली घर की तरफ, लेट्स गो भाई। तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था, और ये देखो बुगाटी हमें मिल भी चुकी है। वैसे बताओ यार कमेंट में हमें अपने इस हाउस अपग्रेड की सीरीज़ में और क्या ही ऐड करना चाहिए, क्या ऐसी कोई चीज़ मिसिंग है इस पूरे के पूरे हाउस अपग्रेड में, जाकर तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। एंड कैसी लग रही है अपनी ये नई बुगाटी, ये भी बताओ भाई कमेंट में। मैं एक बाकी साइन बोर्ड तो लगाने ही वाला हूँ एरो वगैरह के साथ, जिसपे शायद मैं लिखवा दूंगा कि फ्रैंकलिन हाउस इधर है, ऐसा कुछ तो प्लान कर रहा हूँ मैं, देखते हैं ऐसा कुछ हो पाता है कि नहीं। अभी तो पहले घर निकल लो यार, बुगाटी को शामिल करते हैं अपने कलेक्शन में। आ गए बुगाटी लेके आ गए, इतनी ज़्यादा फास्ट है भाई, पता भी नहीं चला कितनी जल्दी आ गया मैं फिलहाल ये। अबे बेनी सिगरेट फूंकने में लगा पड़ा है, बे बदल यार, चेंज कर गाड़ियों का कलर, क्या हो गया बेनी भाई, 5 करोड़ दिए तो हैं मैंने तुझे,
चेंज कर यार, चेंज कर, ऐसे टाइम वेस्ट मत कर। ओके, इस बुकार्डी को गाइज थोड़ा सा यहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सीरियसली अब जगह नहीं है ज़्यादा। हाँ, यहीं लगा देते हैं। ऐसे बुगाड़ी डिजर्व नहीं करती है भाई ये स्पॉट, इसे बढ़िया जगह लगाना चाहिए। बाद में देखेंगे, चेंज कर देंगे। यार तू कलर वलर चेंज कर। अब मैं चला भाई एक आध बाइक वाइक लेने के लिए, क्योंकि आज एक गाड़ी तो लेकर आ गया बुगाड़ी, बट एक बाइक भी तो बनती है। तू चेंज कर यार, बैनी कलर चेंज कर। बाइक कहाँ से लाऊं, देखते हैं पहले तो सड़क से कोई गाड़ी उठाते हैं। अरे गाड़ी लेके आ जाओ कोई सा। आ गया एक बकरा आ गया भाई गाड़ी लेके। दो सर जी, ओ नहीं ये तो बकरी है, आई मीन मैडम है। मैडम हटो, गाड़ी दो अपनी। थैंक यू। चलो भाई बाइक लेने चलते हैं। कहाँ से मिलेगी बाइक? अब बाइक मैं लैब से भी लाऊं क्या? देखते हैं, ढूंढते हैं मिल जाएगी। बाइक ढूंढ रहा हूँ यार, कब से मिली नहीं रही बाइक। एक नॉर्मल सड़क पे चलती हुई बाइक नहीं दिखी है भाई जब से। अरे दिख जा यार, एक बाइक चलेगी। बेल एस्टर की गली में आ गया, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी भाई बाइक। तो कहाँ मिलेगी बाइक भाई? दे दो किसी के पास बाइक हो तो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। यार लॉस एंडोस में बाइक कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नहीं सीरियसली भाई, बाइक कलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है। अलग अलग गलियों में घुस घुस के देख रहा हूँ यार कोई बाइक ढंग की मिल जाए तो। इस गली में भी चलो भाई, चलो इस गली में। क्या वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या यहाँ पे? ऑटो रिपेयर्स। अच्छा, यहाँ पर कोई गाड़ियों की रिपेयरिंग शॉप खुलने वाली है मे बी, तो प्रोबेबली यहाँ पर गाड़ी होनी चाहिए कोई। है भाई, ओए वेट, ओए है, ओए है, ओए है, ओए बाइक है ये तो सीधे, और बाइक ही तो चाहिए थी। लेट्स गो। आओ भाई मेरी किस्मत, वाओ बढ़िया लग रही है, ब्लैक एंड ब्लू कलर की अच्छी बाइक है। लेकर निकलते हैं अपने गैराज कम शोरूम ज़्यादा की तरफ। यस, शोरूम की तरफ। एक और बाइक मेरे कलेक्शन में एड ऑन होती हुई। अब टोटल मेरे पास 9 बाइक हो गई और 27 गाड़ियाँ हो गई। इस तरीके से 36 व्हीकल हो गए। मॉन्स्टर ट्रक को शामिल कर दे तो 37 व्हीकल, और मेरी उस जीप को शामिल कर दे जो कि घर पे है शायद, हाँ घर पे ही है जीप अपनी, तो 38 व्हीकल। साथ ही साथ टैंक 39वां व्हीकल और 40वां हेलीकॉप्टर। वाओ भाई वाओ, मजा आ गया। चलो घर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी कबाड़ी वाली जगह से भाई मुझे इतनी बढ़िया बाइक मिल जाएगी। इसका भी कलर चेंज करवा देंगे बैनी से। अब तो वो सारी गाड़ियों का कलर चेंज कर ही रहा है। वो गाड़ियों का कलर चेंज तो हो गया लगता है। हाँ भाई, ये रोल्स रॉयस वाइट कलर में थी, नकली ही हो भले ही, लेकिन हाँ वो वाइट कलर में थी। यस गाइस, गाड़ियों का उसने चेंज कर दिया भाई कलर। ये देखो, ये रोल्स रॉयस भाई पहले वाइट कलर में थी, पिंक कर दिया। ये वाली मैक्लेरन है कि फरारी है पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। ये पर्पल कलर में थी, उसने रेड कर दिया। ये वाली गाड़ी रेड येलो ब्लैक थी, उसने पर्पल येलो ब्लैक कर दिया। ये अपनी ब्लैक बीच थी उरुस, उसको उसने डायमंड बीच बना दिया। ये स्काई ब्लू कलर में थी गाड़ी, इसको येलो कर दिया है। ये अभी लेकर आया हूँ, हल्की हल्की रेड थी, इसने इसको थोड़ा सा टिंटेड ब्लू, फिर डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू के शेड में कर दिया है। ये ऑरेंज कलर की थी होंडा सिविक, इसे पिंक कर दिया है। ये रोल्स रॉयस भाई कौन से ब्लू कलर में थी, अब कैमोफ्लॉज्ड ब्लू, इतना ब्यूटीफुल कलर था, इसने ग्रीन कर दिया। बाकी ये शायद येलो कलर में थी, पोर्शे की एसयूवी, उसको उसने ब्लू कर दिया। ठीक ही कलरिंग कर रहा है यार, इस पे थोड़े चेंजेस कर दे भाई बेनी। यार रोल्स रॉयस का तूने क्या कर दिया, कितना बढ़िया कैमोफ्लॉज्ड ब्लू कलर था, ये तूने पूरी ग्रीन कर दी। ओके दिस इज़ बेटर नाउ, उसने कुछ तो स्ट्रिप्ट डिज़ाइन कर दिया भाई। ठीक है, ये सिंपल ग्रीन से तो अच्छा ही लग रहा है। धीरे धीरे भाई मेरे ये शोरूम की सारी गाड़ियों का कलर चेंज हो रहा है। अब चोरी का कोई डर नहीं, आई मीन चोरी के इल्ज़ाम में फंसने का कोई डर नहीं। बाकी ऊपर वाली गाड़ियों का भी कलर चेंज कर देगा ये बैनी धीरे धीरे करके। ऐसे आज की वीडियो तुम लोगों को बढ़िया लगी हो तो जाओ यार वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। एंड वंस अगेन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ भाई, हमारे इस हाउस अपग्रेड में और क्या बाकी रह गया जो हमें करना चाहिए, बताओ कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।